गाइस आपने एक लड़ाई बहुत देखी होगी चैट जीपीटी वर्सेस इलॉन मस्क या बाकी जितने भी और एलएलएम्स दुनिया में आ रहे हैं या आ चुके हैं कि भैया अगर एलएलएम्स है ना तो इसको ओपन सोर्स किया जाए, राइट? ये ओपन सोर्स भी वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये एक्चुअली ओपन सोर्स क्या है और क्या हम और आप इसको यूज कर सकते हैं? मैं आपको बताने वाला हूं आज एक ऐसा ट्रिक जिससे इन जितने भी एलएलएम्स को आप यूज कर रहे हैं पे करके या फिर उनका फ्री वर्जन, उन सब को आप अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके यूज कर सकते हो और वो भी 100% फ्री। मतलब अभी तक क्या हो रहा था कि मैं खुद चैट जीपीटी और जेमिनी को ना $20 पर मंथ पे कर रहा हूँ कि उनका एलएलएम्स मुझे मिल जाए। खैर उनका एलएलएम फ्री भी है, लेकिन उनका जो एडवांस्ड वर्जन है प्रो वर्जन वो फ्री में नहीं मिलता है। तो जिनके लिए मुझे उनको $20 पर मंथ ईच प्लेटफॉर्म को पे करना पड़ता है। लेकिन बात ये है जब इस दुनिया में कुछ एलएलएम्स फ्री है, मतलब उसका 100% कैपेबिलिटी जब फ्री है, असंभव ओपन सोर्स है, तो फिर मैं इन $20 को पे क्यों कर रहा हूं? अगर ये सवाल आपके मन में था तो आज उसका आंसर पता क्या है? उसका आंसर ये है कि मुझे कोई ऐसा जबरदस्त इंटरफेस नहीं मिल रहा था। इंटरफेस मतलब होता है कि मैं उन LLMs का ओपन सोर्स अपने सिस्टम में कैसे यूज करूं। मुझे चैट जीपीटी या जेमिनी के जितना एक सीमलेस प्रोसेस चाहिए, जैसे हम चैट जीपीटी को ओपन करते हैं अपने ब्राउजर में और उसको ओपन करने के बाद वहां पर चैट करना शुरू कर देते हैं, जिसका आंसर मुझे मिल जाता है। ऐसा कोई इंटरफेस भी तो चाहिए। LLMs तो एक डेटा है जो आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा, बट उसको यूज कैसे करोगे, वो भी सीमलेसली एंड स्मूथली, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है चैट जीपीटी जेमिनी डीपसीक को उनके ब्राउजर में जाके यूज करने के लिए। बट आज आपका भाई आपको बताएगा कि कैसे आप इस दुनिया के जितने भी ओपन सोर्स हैं, जिसके अंदर डीपसीक का R1, क्वेन, लामा, जेमा, ये जितने बड़े बड़े पावरफुल LLMs के जो ओपन सोर्स है उनको आप अपने सिस्टम पे डाउनलोड करो, एक इंटरफेस का इस्तेमाल करो और बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह उनका पोटेंशियल, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल यूज करना शुरू कर दो, और वो भी विदाउट इनको ₹1 पे किए। एंड सोने पे सुहागा और लोगों, गाइस वो ये है कि ये सारे जितने भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स हैं ये आप बिना इंटरनेट के यूज कर पाओगे, बस आपको उसके लिए एक छोटा सा टूल यूज करना है एंड योर जॉब इज डन। मतलब देख रहे हो आज इस वीडियो से आपको दो बहुत बड़ी चीज देखने को मिलेगी। एक तो इस दुनिया का जो AI फ्यूचर है वो आपके कंट्रोल में, मतलब आपके सिस्टम पे आ जाएगा। दूसरा, अगर आप Tier 1 सिटीज में नहीं हो और आपके सिटीज में जो है इंटरनेट वीक है या आपके पास बहुत बड़ा पावरफुल इंटरनेट नहीं है जिसकी वजह से काफी स्लो आपको रिस्पॉन्स मिलता है, वो भी खत्म, आप बिना इंटरनेट के पहाड़ों में बैठ के, जंगलों में बैठ के आप LLMs का यूज करके वहीं जंगल में मंगल कर सकते हो, वहां से बैठ के पूरा बिजनेस चला सकते हो। समझ में आई बात? तो चलो गाइस मैं जल्दी से आपको बताता हूँ इस कमाल की चीज को आपको कैसे जान देना है, जिसके लिए आपको मुझे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाना पड़ेगा और ये सारी चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखानी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले गाइस AI का दौर चल रहा है और ये चैनल और आपका भाई आपके लिए हमेशा हाजिर है कि ज्यादा से ज्यादा AI अपडेट्स एंड टूल्स के बारे में बताता रहूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, हां लाइक कर देना लास्ट में जाते जाते अगर आपको वीडियो में कुछ जबरदस्त वैल्यू मिलती है। ठीक है, चलो जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। गाइस ये है वो टूल जो हमें यूज करना है। सिंपल, आप गूगल पर जाओ और लिखो नट स्टूडियो, इस साइट पे आ जाओगे, यहाँ पर ट्राई इट नाउ पे क्लिक करो, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स पर्पस यही है कि हमारा जो इंटरनेट है उसके बिना भी हमारा LLM चले, तो उसके लिए आपके पास टूल आपके सिस्टम पे डाउनलोडेड होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स क्लिक ऑन सेव और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सो गाइस ये डाउनलोड हो गया है, फोल्डर को ओपन करते हैं और अब मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ लाइक रेगुलर प्रोसेस, जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। और गाइस ये सिस्टम में आपके इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा लाइक दिस। वेट करते हैं, कंप्लीट होते ही इसके नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं और देखते हैं कि हाउ इजी इट विल बी टू यूज फॉर लोकल LLM। तो गाइस आई थिंक फाइनली ये इंस्टॉल हो गया है और अब ये प्रिपेरेशन कर रहा है अपने लोकल डिवाइस के अंदर कि कैसे आपका LLM यूज किया जाए। सो लेट्स वेट एंड वॉच। यस इट इज देयर, इसको एग्री एंड कंटिन्यू कर लेते हैं, इसको ओके कर देता हूं। मुझे लोकल मॉडल चाहिए, ऑफ कोर्स पर्पस ही मेरा लोकल मॉडल का है। क्लिक हियर, you can now deploy your first local AI model. We have recommended the right first model for your computer configuration. तो ये कह रहा है कि अगर आपको local model install करना है तो आप Qwen 3 का 0.6B करो। क्यों? क्योंकि हमने आपका computer configuration देख लिया है, उसके according ये best model है। But मैं चाहता हूँ कि भैया मैं explore करूँ कि इसमें कौन से और models हैं। तो guys यहाँ पर मुझे पता लगा यहाँ तो भाई साहब बहुत सारे models हैं। Can you see that? जिसके अंदर available ये check वाले हैं। ये red वाले जो है अभी हो सकता है available नहीं है और आगे future में आए। तो अभी कौन से available हैं? Like Qwen
का 3 अवेलेबल है, 0.6B वाला मॉडल, जेमा 3 अवेलेबल है, लामा 3.2, गाइस ये तो मेटा का खुद का है। लेकिन साथ में आप ये भी ध्यान रखना कि आपके सिस्टम में इतना स्पेस अवेलेबल होना चाहिए कि इतना डेटा डाउनलोड हो सके और स्टोर हो सके। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर आगे जाऊं तो देखता हूं कि और भी बड़े बड़े यहां पर अवेलेबल है LLMs, लाइक मिस्ट्रल, बहुत जबरदस्त चाइनीज एक ऐसा LLM है जो कि काफी कमाल का काम कर रहा है। 7 बिलियन पैरामीटर का ये मॉडल है जिसको इंस्टॉल करने के लिए 4.10 GB का मिनिमम स्पेस आपके सिस्टम पे होना चाहिए। डीपसिक R1, वाओ, क्वेन 2.57B, आगे चलते हैं गाइस, यहीं तक ही अवेलेबल है, ये नट स्टूडियो का अपना है तो आई डोंट वांट इट, बट क्वेन 3 का ये 8 बिलियन मॉडल मुझे काफी इंप्रेसिव लग रहा है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा डेटा होगा, बहुत ज्यादा, मतलब आप ऑलमोस्ट हर काम इसमें कर सकते हैं। लेकिन क्या ये मेरे सिस्टम में अवेलेबल हो पाएगा, मेरे सिस्टम के अंदर इतना स्पेस है, वो देखना जरूरी है। तो अभी मैं काम करता हूं जस्ट ट्यूटोरियल पर्पस के लिए, मैं इसका क्वेन 3 का 0.6B वाला वर्जन जो है वो डाउनलोड कर लेता हूं। लेट्स इंस्टॉल, तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ मैं डीपसीक का ये वाला वर्जन भी इंस्टॉल कर लेता हूं, 1.5B का, डीपसीक R1 1.5B इंस्टॉल। लामा भी करने का मेरा बहुत मन है, बट ठीक है अभी दो चलने दो क्योंकि ऐसा ना हो कि सिस्टम बहुत ज्यादा हैवी हो जाए। जैसे ये कंप्लीट होते हैं दोनों, मैं इनका यूज केस आपको दिखाता हूं। सो गाइस नाउ सी द इंस्टॉलेशन इज सक्सेसफुल, डू यू वांट टू अप्लाई द मॉडल राइट नाउ, जिसके अंदर ये वाला मॉडल है क्वेन 3 0.6B, तो यस पे क्लिक कर देता हूं। और यस क्लिक करते ही गाइस मेरे पास एग्जैक्टली वो चीज आ जाएगी जो बिल्कुल चैट जीपीटी जैसा इंटरफेस मुझे देता है। इसके अंदर एक चैट बॉक्स आ गया आपके पास, क्वेन 3 मॉडल है जिसको आप चेंज करके डीपसीक R1 भी कर सकते हो बिकॉज़ आपने दोनों को ही लोकली डाउनलोड कर लिया है। गाइस चैट के अलावा मैं AI एजेंट का भी इस्तेमाल कर सकता हूं यहां पर, इसके अंदर मैं अपना खुद का एजेंट क्रिएट कर सकता हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैट के साथ। सो मैं डीपसीक R1 से अपना एक वीडियो स्क्रिप्ट लिखवाना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, कैन यू राइट मी अ स्क्रिप्ट फॉर माय न्यू वीडियो ऑन हाउ गूगल वीओ 3 इज सच अ पावरफुल AI वीडियो जनरेशन टूल। एंटर करते हैं और गाइस ये सब कुछ जो आपकी आंखों के सामने होगा वो बिल्कुल लोकली होगा। डीपसीक का मॉडल डाउनलोडेड है मेरे सिस्टम पे, ये बिल्कुल भी बाहर से रिसोर्सेज नहीं लेगा क्योंकि डीपसीक एक ओपन सोर्स है और वो मेरे सिस्टम पे इस टाइम पे चल रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस नट स्टूडियो टूल। गाइस नाउ सी, यहां पर बिल्कुल डीपसीक ने रिप्लाई करना शुरू कर दिया है जो भी आपने यहां पर इसको प्रॉम्प्ट दिया है। स्क्रिप्ट का टाइटल है हाउ गूगल वीओ 3 मेक्स AI ड्रिवन वीडियो क्रिएशन पावरफुल ओपनिंग सीन, देन बाकी के स्क्रिप्ट के ब्ला 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 आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉम्प्ट को दे देके लोकली इस चीज को इजीली कर पा रहे हो, राइट? चलो एक और ट्राई मारते हैं। मैं इस टाइम पे क्या करता हूं, अपना वाईफाई बंद कर देता हूं। बंद हो गया वाईफाई, यहां पर दिख रहा है आपको देयर इज नो इंटरनेट एट ऑल। तो अब मैं क्या करूंगा, एक न्यू चैट पे क्लिक करूंगा और अब मैं यहां पर कुछ और कराने की कोशिश करूंगा, लाइक आई वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू ऐप फॉर गार्डनिंग, कैन यू टेल मी हाउ कैन आई डू इट इन फ्लटर। एंटर। गाइज इंटरनेट बंद है, मैं भी खुद फिंगर क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है, फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, देखते हैं कि विदाउट इंटरनेट ये होने वाला है या नहीं। लेट्स क्लिक देयर। गाइज मुझे लग रहा है ये होना शुरू हो गया है बिकॉज ये थिंक कर रहा है। Yes! गाइज ये होना शुरू हो गया है, इसका मतलब मैंने इस पर्टिकुलर मॉडल को सक्सेसफुली अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया है। एंड द पावरफुल थिंग इज दैट कि ये विदाउट इंटरनेट मेरे सिस्टम पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। एंड दिस इज व्हाट द रिप्लाई फ्रॉम डीपसीक R1 1.5B मॉडल। तो गाइज देखो ये तो कमाल था कि मैंने पूरा का पूरा मॉडल डाउनलोड किया और उसको अब मैं लोकली यूज कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक क्या किया था मैंने कि जो उसके छोटे मॉडल थे जिसके पैरामीटर्स बहुत छोटे थे, हो सकता है उसमें बहुत बड़े बड़े टास्क को मैं ना कर पाऊं क्योंकि जब उसके पैरामीटर्स ही छोटे हैं 0.8 बिलियन या 0.7 बिलियन तो वो कुछ खास काम नहीं कर पाएगा। लेट्स डू वन थिंग, अब नेक्स्ट स्टेप में ना मैं इनके बड़े पैरामीटर्स वाले मॉडल को डाउनलोड करता हूं जिनमें 8 बिलियन तक के पैरामीटर्स वाले मॉडल अवेलेबल है। इसके अंदर ये डीपसीक R1 0528 है जो कि सबसे लेटेस्ट है और इसके अंदर इतना ज्यादा पावर डाला गया है डीपसीक की तरफ से कि इसको जेमिनी 2.5 प्रो के साथ कंपेयर किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, इस मॉडल पे मुझे डीपसीक R1 तो मिलेगा, साथ में क्वेन 3 का 8 बिलियन पैरामीटर्स वाला GGUF मॉडल भी मिल जाएगा, मतलब एक ही इंस्टॉलेशन में दोनों मॉडल मिल जाएंगे। So let's do one thing, इसको इंस्टॉल करने से पहले मैं अपने बाकी मॉडल्स को अनइंस्टॉल कर दूं यहां से। Let's click
क्लिक अनइंस्टॉल। तो गाइस मॉडल हैज बीन अनइंस्टॉल्ड। अब यहाँ पर जाते हैं वापस ऑल मॉडल्स में और यहाँ पर नीचे आते हैं और इसके सबसे बड़े मॉडल को इंस्टॉल करते हैं विच इज दिस वन। क्लिक ऑन इंस्टॉल एंड वेट करते हैं। देखो ये थोड़ा सा बड़ा मॉडल है, इसको टाइम लगेगा डाउनलोड होने में, तो अब मैं थोड़ा सा वेट करूंगा और जैसे ये कंप्लीट हो जाता है फिर मैं आपको इसका रियल पोटेंशियल दिखाता हूँ। और फिंगर क्रॉस्ड ये पोटेंशियल इतना बड़ा होने वाला है कि शायद आप घबरा जाओ कि यार इतनी जबरदस्त चीजें हमें फ्री में अपने लोकल कंप्यूटर में यूज करने को मिल सकता है। हालांकि अभी भी डीपसीक और क्वेन का टॉप ओपन सोर्स मॉडल अभी नट स्टूडियो में अवेलेबल नहीं है, बट ये बहुत जल्दी ऐसा करा देंगे। तब अगर इसको आपने डाउनलोड कर लिया आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, तो गाइस आप समझ लो कि पूरा का पूरा चैट जीपीटी का ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट एक पावरफुल टूल आपके सिस्टम में होगा। समझ रहे हो? तो लेट्स वेट एंड वॉच। सो गाइस नाउ सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है मेरा 8B वाला मॉडल, मतलब 8 बिलियन वाला मॉडल जिसके अंदर डीपसीक R10528 है और क्वेन 3 है। लेट्स क्लिक ऑन यस। अब मेरे यहां पर इस मॉडल को यूज करके मुझे एक काम करना है। वो क्या काम करना है आइए मैं आपको दिखाता हूं। I want to create a Flutter app on VS Code. The app objective is to create a restaurant order management system. Can you write down the complete process and its coding part so that I can copy and paste it to my VS Code? Consider me as a non techie person who never built any app before. I hope guys आप लोगों को मेरे prompt से ये समझ आ गया कि मैंने prompt क्या दिया है। अब इसमें कोई confusion नहीं है। मैं एक Flutter app बनाना चाहता हूँ जो कि मेरे Play Store में और Apple App Store में जाएगा ताकि लोग इसको use कर पाए अपने restaurant के order manage करने में। Let's click on enter and finger cross. जहाँ की ये बहुत बड़ा 8 billion parameters का model है, तो guys इससे मैं उम्मीद करूँगा कि ये काफी ज़्यादा and in depth return देगा मुझे related to my prompt. जैसे कि आप देख रहे हो guys मेरा system बिल्कुल slow हो गया है। इसका जो थिंकिंग पावर है ये कितना स्लो चल रहा है, इसका सिंपल मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा मॉडल है, मेरा सिस्टम इसको संभाल अभी फिलहाल नहीं पा रहा है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है कि आपको डाउनग्रेड करना पड़ जाए टूवर्ड्स द लेसर मॉडल देन दिस। यस मैं देख पा रहा हूं मेरे कर्सर वगैरह सब कुछ हैंग कर रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। अगर मैं अपना डेटा दिखाऊं आपको यहां पर, गाइस मेरे पास जीपीयू है, जीपीयू की मेमोरी देखो पूरी यूज हो गई है गाइस, कंप्लीट तरीके से पूरा यूज हो रहा है मेरा जीपीयू। जस्ट लुक इनटू इट। मेरे माउस कर्सर्स को भी देख रहे हो कि काफी ज्यादा स्लो चल रहा है। गाइस देखो 100% सीपीयू यूज हो रहा है, 100% मेरा मेमोरी इन द सेंस रैम यूज हो रहा है। सो दिस इज द रिजल्ट जो कि मैं दिखाना चाहता था कि टॉप अगर मैं इसके पैरामीटर वाले मॉडल्स को इंस्टॉल करता हूं तो मेरे साथ क्या हो सकता है। डेफिनेटली आउटकम अच्छा होगा, तो उसके लिए पावर रिसोर्सेज चाहिए होंगे, बट क्या मेरा सिस्टम झेल पा रहा है? आई थिंक सो नॉट फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी इसी करंट टाइम पे मैं OBS भी यूज कर रहा हूं जो कि एक हैवी टेक्निकल सॉफ्टवेयर है जो अच्छे खासे रिसोर्सेज लेता है। प्लस मैं 8B मॉडल वाला LLM यूज कर रहा हूं अपने सिस्टम पे, और प्लस मैं एडिटिंग के लिए फिल्मोरा भी यूज कर रहा हूं जिसमें मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा हूं बनाते बनाते, तो वो सारा जो रिसोर्सेस है मेरा मशीन इस टाइम पे झेल रहा है एंड फॉर दैट रीजन काफी ज्यादा लोडेड फील कर रहा है वो। इसको बंद करते हैं गाइस, ये स्टिल इट इज थिंकिंग, यू कैन सी दैट। तो गाइस इसको कंप्लीट होने देते हैं फिर मैं बताता हूं कि इसका आउटकम रिजल्ट क्या आया है। गाइस इसका आउटकम जो आया ना वो देख के आपका दिल बाग बाग हो जाएगा कि ये इतना इजी था और इस तरीके से पॉसिबल था। डीपसीक R1 का मैक्सिमम पोटेंशियल आपके कंप्यूटर पे इस तरीके का रिजल्ट दिखा सकता है, आप सोच के दंग रह जाओगे। तो भाई सबसे पहले देखो कि लास्ट जो हमने इससे प्रॉम्प्ट दिया था दैट वाज इनटू अ स्मॉलर वर्जन ऑफ डीपसीक, बट अब जब मैंने इसका 8B मॉडल से इसको प्रॉम्प्ट दिया तो गाइस आप देखोगे सिर्फ थिंकिंग इसका कितना ज्यादा लेंथी एंड डिटेल्ड हुआ है। जस्ट ये थिंकिंग है, ये अभी भी थिंकिंग चल रहा है, अभी तक तो इसने मुझे रिप्लाई भी नहीं दिया, ये खुद सोच रहा है कि मुझे ये सारी चीजें करनी चाहिए बिफोर गिविंग द राइट आंसर टू दिस प्रॉम्प्ट। अब देखो अभी भी थिंकिंग है गाइस, ये मत समझना कि ये आपका रिप्लाई है, नो इट इज थिंकिंग। एंड ये तभी पॉसिबल हुआ जब मैंने 8B वाला मॉडल लिया। जस्ट लुक इनटू इट नाउ, यहां से इसका रियल आंसर चालू है एक्चुअली में। तो यानी अगर मैं आपको दिखाऊं दिस ऑल आर थिंकिंग, कैसे देखो मैं इसको अभी क्लैप्स करता हूं तो यहां से शुरू है आपका रियल आंसर एंड नाउ दिस इज योर आंसर इज।
इस प्रॉम्प्ट का रियल जो रिप्लाई होना चाहिए था वो ये, एंड दिस ऑल हैपेंड आफ्टर थिंकिंग अ लॉन्ग प्रोसेस। तो इसीलिए गाइस मैं ऑलवेज कहता हूं कि अगर आपको बेस्ट आउटकम चाहिए तो यूज द एडवांस्ड वर्जन ऑफ एनी LLMs। अब आपके पास एडवांस वर्जन DeepSeek का, क्वेन का, जो कि प्रो वर्जन है, वो अवेलेबल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बाय यूजिंग दिस टूल। अब इससे आपका सिर्फ यही फायदा नहीं हुआ कि आपके सिस्टम पे आ गया है, दो तीन इसके और फायदे हुए हैं। नंबर वन फायदा कि ये सिस्टम पे है। नंबर टू फायदा, प्राइवेसी। क्या होता है कि हम बहुत बार ऐसी चीजें कराते हैं इन LLM से जो कि मैं चाहता हूं यार किसी को पता ना चले, इनफैक्ट इनके क्रिएटर को भी पता ना चले जिन्होंने इसको बनाया है। क्योंकि ChatGPT में क्या होगा, मैं जो भी अपना प्रॉम्प्ट दे रहा हूं या क्वेरी कर रहा हूं वो सीधा उसके सर्वर पे जा रहा है और उसके सर्वर पे वो सेव भी हो रहा होगा, कहीं ना कहीं बैकएंड में तो सेव हो रहा होगा ना, तो वो चाहे तो उसका एक्सेस निकाल के कुछ भी कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूं नहीं भाई, मेरा क्वेरी है ये, मैं सीक्रेट रखना चाहता हूं, मैं किसी के पास नहीं दूंगा, तो उस केस में प्राइवेसी अगर आपको मेंटेन करना है तो गाइस दिस इज द ओनली ऑप्शन। एंड द थर्ड यूज केस दैट इज कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो किसी साइबर कैफे में जाके इसको एक बार इंस्टॉल कर लो और उसके बाद काम शुरू कर दो, क्योंकि ये विदाउट इंटरनेट भी जंगल में, माउंटेन्स में, बीचेस में कहीं भी चल जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको फ्री में लाइफ टाइम इन LLMs को यूज करना है अपने सिस्टम के अंदर प्राइवेसी के साथ, तो यूज दिस मेथड। टूल नेम इज नट स्टूडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ। और हाँ, अगर आपको इसका डिस्काउंट चाहिए तो मैंने एक कोड भी दे दिया नीचे, उस कोड को यूज करके आप 10% का फ्लैट डिस्काउंट ले सकते हो। बहुत ज्यादा महंगा नहीं है इन कंपैरिजन टू द ब्राउजर वर्जन ऑफ LLMs। बाकी समझदार आप हो, जैसे आपको यूज करना है वैसे आप इसका यूज कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, वीडियो कैसी लगी बताना, और अगर बहुत अच्छी लगी है तो अब लाइक कर देना, क्योंकि लाइक से मोटिवेशन अप होता है इस टाइप के रिसर्च को आप तक लाने के लिए। ठीक है भाई, को इजाजत दो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और जबरदस्त कंटेंट के साथ। AI एरा चल रहा है, पीछे रहना अफोर्ड नहीं कर पाओगे। चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।